हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये डायमंड बंगड़ी कैसे बनानी है ये बताती हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए ये डायमंड बंगड़ी का बेस, गोल्डन मनी, ग्लू, सीजर, नीडल, येलो कलर का जो नायलॉन थ्रेड है वो, और ये ग्रीन कलर के क्रिस्टल मणि की चाहिए हमें। देखिए, ये जो फ्लावर का डिज़ाइन है इसके आगे वाला जो होल है वहाँ से मैं नीडल को ऊपर ला रही हूँ। यहाँ मैंने धागे में नॉट लगा ली है। अब जो ये नीचे का होल है, ये फ्लावर के नीचे, वहाँ हमें सुई डाल के बाहर निकालना है उस होल में से। अब जो ये यहाँ गांठ लग गई है, वहाँ से हमें ये हमारा धागा देखिए यहाँ ये काट लगे। अब हमें ये जो फ्लावर के नीचे वाला होल है वहाँ से सुई ऊपर लाना है। और हमें इसमें हमारे जो मनी है गोल्डन और क्रिस्टल के वो डाल के लेने हैं। एक गोल्डन का डाला पहले मैंने, फिर क्रिस्टल का डाला है, फिर गोल्डन का, फिर क्रिस्टल का। पहले गोल्डन का डाला, फिर क्रिस्टल का। आप इसमें कलर्स आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं आपके ड्रेस के मैचिंग, साड़ी का जो कलर है उससे मैचिंग भी बना सकते हैं। इस तरह से हमें एक गोल्डन, एक क्रिस्टल, एक गोल्डन, एक क्रिस्टल, एक गोल्डन, एक क्रिस्टल, ऐसे यहाँ तक डालने हैं। यहाँ तक ये जो नेक्स्ट फ्लावर है यहाँ तक हमें डाल के आने हैं, ये धागे में डाल के लेने हैं। देखिए, अब हमें ये फ्लावर के नीचे जो और बांगड़ी के नीचे जो गैप है वहाँ से हमारा सुई बाहर लाना है इस तरह से। फिर से उसी तरह से जहाँ यहाँ ग्रीन का एंड हुआ है तो आगे गोल्डन से स्टार्ट होगा, और इसी तरह से हमें यहाँ भी ये मोती और क्रिस्टल के मनी, ये सारे मनी डाल के लेने हैं। जो आगे का फ्लावर है उसमें भी हमें इसी तरह से सुई बाहर लाना है। और सेम हमें उसी तरह से यहाँ भी मोती डाल के लेने हैं। आगे भी यहाँ में ये मोती डाल के लेने। देखिए यहाँ तक मैं डाल के, ये जो डायमंड का फ्लावर है, ये जो बंगड़ी में आता है वो फिक्स जगह पे नहीं होता है, आगे पीछे रहता है, तो हम एग्जैक्ट काउंट के नहीं बता सकते कि ये कितने मनी इसमें बैठेंगे। थोड़े कम ज़्यादा बैठते तो आपको ऐसे लगा के देखने हैं बराबर से बैठे हैं कि नहीं। अगर आपके यहाँ 8 बैठ जाते हैं तो यहाँ 9 भी बैठेंगे, ऐसे कुछ नहीं है कि यहाँ 8 है तो यहाँ 8 ही आएंगे। ये मैन्युफैक्चरिंग अगर परफेक्ट होगा तो हर जगह पे परफेक्ट बैठेंगे। अब हमें उसी फ्लावर के नीचे से ये सुई को
डालना है और होल में से बाहर लाना है और ये खींच के लेना है। ज़्यादा नहीं खींचना है, धागा टूट जाएगा। और यहाँ जो नॉट है हमारा, वहाँ है एक नॉट लगाना है। इस तरह से हर जगह से बराबर से बैठी है कि नहीं देखना है, कुछ मोड़ते हैं। और हमें ये फिक्स करने हैं, आगे की जो आप होल्स देख रहे हैं, यहाँ से हमें ये सुई को नीचे से डालना है। ये जो होल्स हैं, यहाँ से हमें सुई को नीचे डालना है और ऊपर से फिर से उसी होल में से सुई को नीचे डाल के फिक्स करना है। यहाँ से डालना है, ये जो बेस है उसके यहाँ से हमें यहाँ ढोना है और उसी होल में से फिर से नीचे लाना है। आगे से ऐसे हमें ये पूरा फिक्स करना है। पूरा फिक्स करके लेना है। एंड में हमें ये देखिए, आपको अब ये धागा दिखाई दे रहा है, मैंने सभी तरह से ये फिक्स करके ले लिया है। एंड में हमें उसी तरह से डालना है और जो ये हमारा नॉट है उसी में हमें ये नॉट लगाना है। एक्स्ट्रा जो थ्रेड है थोड़ा ज़्यादा रखेंगे और हमें यहाँ ग्लू लगा के लेना है। क्योंकि ये नायलॉन का थ्रेड है, हमें यहाँ ग्लू लगा के फिक्स करना पड़ता है, नहीं तो ये निकल जाएगा। स्टार्टिंग का जो नॉट है वहाँ भी लगा दीजिए। देखिए थोड़ा देर ये सूखने दीजिए अच्छे से। इस तरह से आप आपको जो कलर में चाहिए वो कलर में ऐसे बैंगल्स बना सकते हैं, रेड ब्लू, ये मैंने ग्रीन में बनाए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपके कमेंट्स मुझे ज़रूर दीजिएगा। Thank you.